कि 65 करोड़ लोग जो है ना सीधे तौर से जुड़े हुए हैं। देखिए करोड़ों भक्त हैं प्रभु श्री राम के, लेकिन 65 करोड़ लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो इतना विपक्ष को डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे कि 24 में बीजेपी के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब है अयोध्या से? जी जी, मुख्य बात यह है कि राम को यह केवल एक व्यक्ति के तौर पर मत देखें, राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम के मंदिर का मतलब है मानवता के उच्च आदर्श के मंदिर का स्थापित होना, और मुझे लग रहा है इतना श्रेष्ठ मंदिर स्थापित हो रहा है, यह अवसर सारे लोगों के पास मिला हुआ था, इस अवसर से वह चूक करके अपना हित तो कर ही रहे हैं, राष्ट्र का भी हित कर रहे हैं, क्योंकि राम के बिना राष्ट्र का हित नहीं हो सकता। राम कौन है जिन्होंने मानवता को एक उच्च जीवन का आदर्श दिया? क्या वह नहीं चाहते कि राम के आदर्श पर चलें? क्या गांधी जी राम राज्य की कल्पना नहीं करते थे? ठीक है, क्या आप राम के आदर्श पर नहीं चलना चाहते? राम हमारे आराध्य है, हमारे हृदय में बसते हैं, सुबह उठते हैं, जयराम करते हैं, जब अंतिम यात्रा खत्म होती है जीवन की, तो राम नाम सत्य कह के ही जिस दुनिया जाते हैं। आप इसका सर्टिफिकेट हमको नहीं देंगे? नहीं, सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं समझाते, खड़गे जी को क्यों नहीं समझाते? आज बोल दिया ना हेमंत विश्वकर्मा ने बोल दिया। सुनिए ना, मैं सवाल पूछ, रुक तो जाइए, सवाल तो पूछने दीजिए, आइए आइए, कहाँ तक आए हैं? अरे दिल्ली तक रहते हैं भाई, लेकिन आप लोग आइए ना अयोध्या, अयोध्या नहीं आ रहे। मैं एक चीज में सवाल कर रहा हूँ कि आज हेमंत विश्वकर्मा ने बोला कि जिनको बाबर का वोट चाहिए वो रामलला के दर्शन में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। शंकराचार्य कौन सोट चाहिए? शंकराचार्य कौन सोट चाहिए बताइए? तो शंकराचार्य ने तो चिट्ठी लिख दिया, जवाब दे रहे आ रहे हैं। अरे जवाब दे रहे हैं, आ रहे। अरे आप लोगों को आ रहे कि नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने चिट्ठी लिखकर आप लोगों को जवाब दे दिया कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं बताइए? कोई चिट्ठी नहीं। अरे बोला उनका मन है आएंगे कि नहीं आएंगे? सुनिए, ये देश चलेगा शंकराचार्य के धर्म से, इन संतरों के से नहीं चलेगा, और संविधान से नहीं चलेगा। सुनिए, संविधान से नहीं चलेगा, ये कह रहा चंपतरा, संविधान से नहीं चलेगा। चलेगा जी संविधान से, तो संविधान में प्रभु श्री राम है कि नहीं है? संविधान में प्रभु श्री राम है कि नहीं है, मुझे बताइए। जब बीजेपी के लोग फर्जी है, संविधान में प्रभु श्री राम कौन है? फर्जी है, चिट्ठी फर्जी है। शंकराचार्य के मठ के सचिव मैनेजर के दस्तखत से चिट्ठी जारी हुई है, और शंकराचार्य का बयान जो है आ रहा है कि हम नहीं आ रहे। देख लीजिए अब एक सेकंड। हाँ, जब जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो रही थी तो किसकी सरकार थी? आज इनको शंकराचार्य की चिंता हो रही है, कल शंकराचार्य की चिंता नहीं हो रही थी? और ये शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं, शंकराचार्य धर्म के प्रतिनिधि हैं। यदि शंकराचार्य कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो धर्मयुक्त प्रश्न उठा रहे, उनका अधिकार है, ये धार्मिकों का अधिकार है, ये किसी नेता और पार्टी का अधिकार नहीं है। आप लोगों को एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, बाबर का ही वोट चाहिए, बाबर को वोट जिसको चाहिए वो रामलला के का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बरगला रही है। राम का आदर्श अगर भारतीय जनता पार्टी अपनाए तो निश्चित पर देश में शासन सुशासन अच्छा चले, पहली बात। दूसरी बात कि देश के अंदर जिस मुद्दे पे सरकार को बात करना चाहिए, जिसके लिए रामलला नहीं है, रामलला पर बात नहीं, धार्मिक मामला है, वो अलग मामला है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, तो ये अलग मामला कहकर ही तो आप लोगों ने 70 साल में अलग छोड़ दिया था, इसीलिए इस सरकार ने आते ही अयोध्या में करोड़ों का काम किया। मंदिर बनना अलग है, सरकार की जिम्मेदारी कि हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा देना, हिंसा मुक्त करना। ठीक है, एक सेकंड जी, जल्दी से। मैं यह कहना चाह रहा था, अभी आप कहे कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देना, आप अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? एयरपोर्ट आरंभ हो गया, रेलवे आरंभ हो गया, इतने हॉस्पिटल होटल सब कुछ बन रहे हैं, एक किसको रोजगार मिल रहा है? युवाओं को नहीं मिल रहा है, देश वालों को नहीं मिल रहा है।